दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। जिले में शाम की विभिन्न योजनाओं के द्वारा श्रमिक वर्ग को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं जिला पंचायत कार्यालय में आज दोपहर जिला पंचायत विभाग, श्रम विभाग, नगरपालिका एवं खेल विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिमान कर्मकार कल्याण मंडल अध्यक्ष हेमंत तिवारी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान की उपस्थिति में पंजीकृत श्रमिकों को मिलने वाले विभिन्न अनुदानों के बारे में चर्चा कर समीक्षा की गई। बता दें, जिले में पंजीकृत श्रमिक 8000 से अधिक हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे श्रमिकों को शासन की सामूहिक विवाह उच्च शिक्षा में श्रमिकों के बच्चों को दिए जाने वाले लाभों सहित कई योजनाओं में लाभ जिले में पात्र हितग्राहियों तक पहुँच रहे हैं या नहीं, इसकी समीक्षा मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिमान कर्मकार कल्याण मंडल अध्यक्ष हेमंत तिवारी द्वारा की गई। एक लय के साथ श्रृंखला के रूप में, चयन के रूप में काम करते हुए इन योजनाओं का विस्तार करें, गरीबों को लाभ दिलाए, ताकि वो यदि कोई जैसे मजदूर मर जाता है, पंजीकृत भी नहीं है, 4 लाख का उसको तत्काल भुगतान कराएं। जैसे इंदौर का केस हुआ था, भोपाल का केस हुआ, हमने तत्काल भुगतान देना है। तो आज हमारे बीच में बीच में सांसद भी है, ये भी है, सभी CSPO भी है, तो मैंने आप इसी बात पर बल दिया है। खेल विभाग में मेरे अभी परिणाम बहुत अच्छे भी मिले हैं। मैंने इनसे अपेक्षा करी कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो कम से कम 25 विद्यार्थी तो इसमें मिलेंगे मुझे, 25 खेल के खेत में मिलेंगे। फिर तो ये सब मेहनत आप